टाइम हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमें फटाफट निकलना है, तो इसको नहला धुला के ले चलते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे ना तो फिर आगे बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा। वैसे भी 2 रास्ते जाते हैं, एक दिल्ली होके जाना है और एक KMP। तो दिल्ली होके जाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली KMP से ही जाएंगे, बाकी देखते हैं। तो भाई नहा धो के ऑल सेट रेडी, और अपना भाई सामान रखते हैं फटाफट, क्योंकि भाई ऑलरेडी लेट हो चुका है, 5:30 हो गए, इतने लेट पहले कभी भी नहीं हुए। सामान रखते हैं फटाफट। भाई ये चाय देख लो, ये चाय बन रही है सुबह 4:30 बजे की और अभी 5:30 हो गए, 1 घंटे से उबल रही है। और भाई मेरे को लग रही है भूख बहुत ज़बरदस्त, भाई कुछ चाहिए सुबह सुबह खाने का। तो भाई मेरे को लगी हुई है भूख और खाना मैंने रख दिया भाई डिग्गी में, खाना ले जाता हूँ पहले खा लेता हूँ भाई। तो गाइस हम हो गए सभी रेडी और अभी निकलते हैं, हमारे साथ छोटू भाई और जा रहा है एक भाई, वो ड्राइव वो भी करेंगे और पापा भी करेंगे, अपना नंबर तो कम ही लगेगा। अभी चले, हाँ जी तो चले, बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है भाई चलें, रेडी। तो भाई हम निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हुआ है, 6:30। टाइम क्या हुआ, 6:25 भाई, 6:30 हो गए, अभी तक के सबसे लेट निकले, इतना लेट कभी नहीं निकले हम, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हैप्पी जर्नी टू मी टू अस। पहुंच गए हैं लुधियाना, लुधियाना पहुंच गए हैं, लुधियाना भी क्रॉस कर लिया है। मुंबई में सो गया था एकदम सुना खुली भाई, मैं सोचा कि भाई अभी यहीं पहुंचेंगे हम सोनीपत अम्बाला के आसपास, भाई पूछा मैंने वापस एकदम कहां पहुंच गए, बोले भाई लुधियाना पहुंच गए। और आज भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है T20 वर्ल्ड कप का, और बारिश भी हो रही थी, वहाँ पता नहीं क्या होगा, मैच हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नेटवर्क वगैरह का सीन पता नहीं क्या रहेगा, हॉटस्टार पर देखेंगे अगर देख सके तो, बट अभी तो भाई खींचम खींच जा रहे हैं और मेरे को लग रहा है हम 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे जिस हिसाब से जा रहे हैं ना। ये हमारे छोटू जी पायलट, जिन्होंने 4-5 घंटे के अंदर गाड़ी इतनी खींच दी, मुझे लग नहीं रहा मेरा नंबर आएगा गाड़ी चलाने का आज। ये आगे भाई LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल भाई हाईवे के अलोंग ये। तो भाई हम पहुँच चुके हैं जलंधर और अभी हम खा रहे हैं खाना, लंच कर रहे हैं। कितने बजे, क्या टाइम हुआ है, टाइम को पता नहीं लग रहा भाई, 1:30-2 बजे हैं, अभी अपना लंच कर रहे हैं। ये मैंने आलू ले लिए और ये रोटी ले ली, इसका बनाते हैं एक रोल और खाते हैं फिर। तो भाई आज का तो सारा सफ़र ना पीछे वाली सीट पे निकल गया बैठ के, अब हम पहुंच गए हैं पठानकोट। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये जो लेफ्ट में है ना ये है पंजाब, और जो राइट में है ये सारा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से भाई फुट हिल्स शुरू हो जाते हैं, पहाड़ी एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब हम पहाड़ी एरिया में एंटर हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम लखनपुर पहुंचने वाले हैं जो है जम्मू पंजाब का बॉर्डर। भाई हम पहुंच चुके हैं पठानकोट के एकदम सेंटर, जो कि आर्मी एरिया है, और ये देख लो भाई आर्मी वाले चेकिंग पे लगे हुए हैं। तो लो जी ये आ गया अपना जम्मू कश्मीर, भाई ये है रावी, रावी नदी का ब्रिज, और भाई आधा पंजाब का है और आधा जम्मू कश्मीर का। तो जैसे हम पुल क्रॉस करेंगे हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में। भाई पीछे हिमालयन रेंज भी दिखने लग गई है, कैमरे में तो नहीं दिखेगी वैसे, दिखने लग गई है पीछे, बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, अगर हल्के फुल्के दिख रहे हैं ना ये देखो वहाँ पे ऊपर, पता नहीं भाई कैसे। सो गाइस यहाँ से ना अपने पूरे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, पूरा ये अपना पहाड़ी एरिया का रास्ता स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर अब हम पहाड़ पे चढ़ाई शुरू कर देंगे। मैं काला हो गया हूँ इतना यार आज पूरे दिन ना धूप में, और पूरा सफ़र निकल गया पीछे बैठे बैठे ही। तो गाइज हम पहुंच गए रंजीत सागर डैम के पास, और भाई क्या व्यू है यार, एक नंबर का व्यू है भाई, बहुत प्यारा आ रहा है सीरियसली। और भाई ये डैम में ना नॉर्मली पानी इससे थोड़ा सा कम होता है, मैंने जो देखा ना बहुत सालों बाद देखा इतना ज़्यादा पानी, पीछे भाई मैच भी चल रहा है उसकी कमेंट्री भी आ ही रही होगी, बट भाई एक नंबर का व्यू है यार। अभी मेरा ना माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया है, मैच देखूँ या इस व्यू का नज़ारा लूँ। और भाई सामने वो जो एक ब्रिज है ना वो है अटल सेतु ब्रिज बोलते हैं उसको, और वो उस ब्रिज के पीछे हिमाचल प्रदेश है। सो भाई पीछे यार
व्यू की तो कितनी तारीफ करूँ। और भाई पीछे भी हम रुके यहाँ पे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि यहाँ से अभी और एक डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तो भाई मच्छर बहुत हैं यार यहाँ पे ना, सारा खा लिया मेरे को मच्छरों ने। हमें कह रहा था भाई अभी एक दो घंटे और लगेंगे यहाँ से, और पूरा पहाड़ी वाला एरिया है पीछे, मतलब हमें ना और पहाड़ों पे ऊपर जाना है। भाई मैं ना डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ क्योंकि पीछे ना मैच भी चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो भाई क्या ही बोल सकते। लेकिन भाई मैं लोग पे ध्यान देता हूँ पहले। तो भाई ये चल रहा है, ये खोखा है ढाबा जो भी बोल दो इसको, यहाँ पे चाय पानी पी रहे हैं, पापा हैं, पता नहीं नमकीन खा रहे क्या खा रहे जो भी है। हाँ भाई, हाँ हाँ क्या चाहिए? ले 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 ले, इसी फ्रंट कैमरा करके दस नाड़ी। तो लो जी ये आ गई अपनी चाय, चाय पीते हैं और फिर फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते भाई ज़्यादा अंधेरा हो, अंधेरा हो जाता है ना सही में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भाई चाय पी के अब हम निकल गए हैं। और भाई मच्छर ये देखो भाई, ये लव बाइट देखे गए मच्छर यहाँ पे, ये देख लो भाई सारे हाथ सारा खा लिया भाई मेरे को तो ना, ऐसी चाय तो ना पीने में बढ़िया है। आया मजा चाय पीने में? मेरा कंधा कोई मजा नहीं है बिल्कुल। भैया मुझे बड़ा मजा आया और मेरे को ना एक मच्छर ने भी नहीं काटा, मैं मजे से चाय पी के आया, वो भी फीकी बिना चीनी की चाय, रावी के किनारे बिना चीनी की चाय। हमारी जो पिएगा वो लेगा नजारे, हमारी मीठी चाय पी के हमारा खून मीठा हो गया ना। तो भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया हार रही है भाई, चार आउट हो गए इंडिया के 30-40 रन के ऊपर ही, मैच बिल्कुल एकदम फंस नहीं रहा। 35 रन पे चार आउट हो गया। अब इंडिया को जितवा सकता था एक इंसान है, वो है किंग कोहली। किंग शो योर पावर। पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है ना भाई, इतना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है अभी। चार ओवर में 55 रन चाहिए, 53-54 चाहिए चार ओवर में, जीत सकती है वैसे इंडिया, चांसेस तो पूरे हैं जल्दी, बट अभी देखते हैं क्या होगा तेरे हाथ। तो भाई अपने छोटू चला गया है, यहाँ तक का सफर था हमारा, हमें अभी और जाना है 8-10 किलोमीटर। मेरे को गाड़ी चलाने के लिए मिली नहीं है फिर भी, वैसे मेरे को चलानी थी अभी भाई, लेकिन अभी मैं मेरे ना दिमाग में टेंशन चल रही है मैच की, मैं ना चलाऊँ तो ही बढ़िया है। गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी मौसी के घर, और अभी वहां जाके सबसे पहले मैच देखना है, मेरा तो दिमाग में मैच ही चल रहा है भाई। सो गाइज मैं तो पहुंच गया हूं मौसी के घर, सबसे पहले मेरे को जाके मैच देखना है, पापा मम्मी गए हैं कुछ सामान वगैरह लेने क्योंकि खाली हाथ नहीं जाते ना भाई, मैं पहले मैच देखता हूं जाके। आया तो लड़की गला लगने नहीं आया, सूर्य कुमार जीत गया भाई, ये आज का मैच तो कोहली भाई आप हारे पड़े थे जब मैं आया 8-28 रन तो भाई मैच तो इंडिया जीत गई, और अभी गाड़ी को पार्क कर लेते क्योंकि भाई ऊपर मेन रोड पे खड़ी कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और यहाँ पे अभी इतना उबड़ खाबड़ जगह है ना, यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ आई है क्योंकि कल भी बम्पर लग गया था नीचे, अभी फिर से बम्पर ना लग जाए। बस बस तो भाई मिल लो छोटे पीयूष जोशी से, डुप्लीकेट पीयूष जोशी से। हाँ भाई कैसे कटे इतने दिन मेरे बिना, जल्दी बता। बहुत अच्छे से, मजा आ गया। तो जाऊँ फिर मैं? दिवाली तो पक्का पक्का। हाँ भाई इस बार मतलब अपने कान में टेप या कुछ लगा लेना, आज फट जाएंगे। क्यों? आज निकल। क्यों मगर? और गाइस आपके लिए एक बड़ी बड़ी खुश खबरी है क्योंकि मैं ना सौरभ जोशी वर्सेस राहुल काटल करने वाला हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल जो अभी बनने वाला है। बस हाँ, एक चैनल डिलीट कर दिया ना अपना। हाँ एक चैनल डिलीट। क्यों किया था डिलीट, ये तो बता दे। उसका रीजन नहीं बता सकते। रीजन नहीं बता सकते? गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया था।
नहीं वो तो है ही नहीं है 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 झूठ क्यों बोला है अभी मम्मा को सब लगे नहीं है नहीं है तो नहीं है भाई ऐसे हमारे खानदान के नाम रोशन नहीं बस हो गया भाई साहब बराबर चलो तो गाइस आ गया अब अपना खाना तो भाई खाना खा लेते हैं क्योंकि दिन में खाना खाया था वो भी थोड़ा बहुत ही खाया था ऐसे गाड़ी में ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता तो भाई यहाँ पे आके खाते हैं एकदम ऑर्गेनिक खाना पहाड़ों का खाना पहाड़ी बच्चा लेके आया हमें पहाड़ी क्या हो गया इस चीज़ की कमी है देखो कुछ मिला नहीं तो भाई ये आ गया अपना खाना ये है ऑर्गेनिक घी की सब्जी ऑर्गेनिक दाल ऑर्गेनिक चावल और ऑर्गेनिक आटे की रोटी क्या कह रहा है पंपटा के खाने हाँ मेरे को चाहिए ना चाहिए पहले मैं वो था ना ओसामा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन का नाम सुना कौन था आतंकवादी हाँ तो वो अभी भाई व्लॉग खत्म कर रहा था मैं भूल ही गया था अभी एडिट कर रहा था तो मेरे को लगा क्या देखा मैंने भाई व्लॉग तो खत्म किया ही नहीं है मैंने थोड़ा लेट हो गया हूँ व्लॉग वगैरह डालने में उसके लिए माफ़ी है सभी से और भाई तो इस व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं उस पुराने व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं अगर व्लॉग पसंद आया है तो जो भी मन करे सब कर दे रहा लव यू ऑल बाय टाटा।